सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां पते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और बहुत ही पुराने समय से यूज लिया जा रहा है, जिसका नाम है पेनेड्यूर LA इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल इसकी मैं बताऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, मोस्ट डेंजरस बट वेरी यूजफुल, इसको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में क्यों डेंजरस है। लेकिन इससे पहले हम जान लेंगे क्या क्या स्टंट में मार्केट मिल जाता है, क्या इसके यूज रहते हैं, पूरी डिटेल में किस किस बीमारी को ठीक करता है, साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, कितनी डोज व्यक्ति को लगती है और किस तरह से इसको लगाना चाहिए, ये सभी बातें वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो क्लास में जैसा कि मैंने बताया था क्या डेंजरस इफेक्ट रहता है इसका, वो मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पेनाड्यूर LA इंजेक्शन का जो कंटेंट है, साल्ट है, बेंजेथिन पेनिसिलिन जी है और इसे पेनिसिलिन जी बेंजेथिन भी कहते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साथ ही जो ये इंजेक्शन है पेनिसिलिन तथा बीटा लैक्टामेज क्लास का एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि बेंजल पेनिसिलिन के रूप में कार्य करता है। इसमें जो बेंजेथिन है पेनिसिलिन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिस कारण से ये लॉन्ग एक्टिंग रहता है। इसी कारण से जब ये इंजेक्शन आप खरीदते हैं पेनाड्यूर, इसके साथ में आपको LA लिखा हुआ मिलेगा, मतलब लॉन्ग एक्टिंग। यह इंजेक्शन आपको जब खरीदते हैं तो एक पाउडर फॉर्म में वायल में मिलता है, जिसे कि डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके बाद में पेशेंट को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह आपको मिलीग्राम में नहीं बल्कि इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में मिलता है, जैसे कि 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट IU, 12 लाख IU और 24 लाख IU, ये अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो जो 6 लाख IU का पेनेड्यूर इंजेक्शन है वो आपको 8 रुपये MRP का मिल जाता है, 12 लाख IU का जो पेनेड्यूर इंजेक्शन है आपको लगभग 12 रुपये में, और जो 24 लाख IU का इंजेक्शन है वो आपको 18 रुपये में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सस्ता इंजेक्शन लेकिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक और बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ लिया जाने वाला एंटीबायोटिक है। बड़े से बड़ी जो इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देता है। तो दोस्तों इसके यूज़ को जान लेते हैं क्या क्या इसके यूज़ है पूरी डिटेल में। जैसा कि आपको पता है एंटीबायोटिक एक इंजेक्शन है, तो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि जो दूसरे एंटीबायोटिक ठीक करते हैं। लेकिन इसका जो विशेष यूज है, जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि उसे टॉन्सिलाइटिस हो गए, वो भी सीवियर टॉन्सिलाइटिस, नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस और सीवियर दोनों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, दूसरे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, तभी पेनेड्यूर LA इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। साथ ही डिप्थीरिया नाम की बीमारी है, जिसे हम हिंदी में रोहिणी रोग कहते हैं, यह सामान्यतः 2 साल से लगाकर 10 साल के बच्चे में देखा गया है। इसमें टॉन्सिलाइटिस के जैसे ही आपके गले में दर्द रहेगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग आएगा, साथ में आपको खांसी भी हो सकती है और गले में बहुत भारी भारी आवाज़ आ सकती है। तो इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही लंग्स के इन्फेक्शन में, ट्यूबरक्लोसिस में भी यह पेनेड्यूर इंजेक्शन बहुत ही अच्छा कारगर रहता है। इसके अलावा कुछ सीवियर स्किन इन्फेक्शन है, जिसे हम साइफिलिस कहते हैं, जॉज कहते हैं, बेजेल और इसके अलावा पिंटा करके भी एक बीमारी है स्किन इन्फेक्शन की। इन सभी में क्या रहता है कि जो स्किन पे आपके ओपन ब्लिस्टर हो जाते हैं, ओपन अल्सर हो जाते हैं, जिसमें पस हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सडन हो जाती है, यह कई बार आपको बोन में या जॉइंट में भी देखने के लिए मिल सकता है, जो सामान्य एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। तो उस समय उस सीवियर स्किन एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए, स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ है, जैसे क्लामाइडिया, गोनोरोया, जो कि स्पेशली फीमेल में होता है, और जो पल्विक एरिया है जिसमें वेजाइनल, ओवेरी तथा यूटेरस, इन सभी में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेनफुल कंडीशन भी रहती है और कई बार डिस्चार्ज भी होता है। तो इन सभी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए यह इंजेक्शन बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही कोई भी यदि पेशेंट है जो एड्स का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है, कोई सीवियर स्किन एलर्जिक रिएक्शन का पेशेंट है, रूमेटिक फीवर किसी को है, किसी को कोलेरा है, तो इन सभी कंडीशन में भी यह जो इंजेक्शन है बहुत ही फायदेमंद डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों इन सभी के अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियाँ जो मैं आपको कवर करके नहीं बता पा रहा हूँ, उसमें डॉक्टर इसका यूज लेते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ लिया जा रहा है, लेकिन जो साइड इफेक्ट इसके हैं बहुत ही ज़्यादा देखे गए। जो कॉमन साइड इफेक्ट देखे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट जो उसके इंजेक्शन साइड पे होता है, जब व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस जगह पे व्यक्ति को रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन रह सकता है, पूरे सूजन आ सकती है उस एरिया में, या इसके अलावा अगर बात की जाए तो व्यक्ति को नोजिया रहना, वोमिटिंग रहना, थोड़े समय बाद में ब्लडी स्टूल, मतलब स्टूल के साथ में खून आना,
या किसी किसी व्यक्ति को ड्राउजीनेस डिजीनेस ये भी हो सकता है और पूरे बॉडी में सूजन आना भी एक इसका साइड इफेक्ट देखा गया है। ये कुछ चीज़ के साइड इफेक्ट मैंने बताएं और हो सकता है जो लिस्टेड साइड इफेक्ट है इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। यदि ऐसा हो तो तुरंत इस इंजेक्शन का प्रयोग बंद करें, अपने डॉक्टर से जैसे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों इसके यूज़ और साइड इफेक्ट को पूरी डिटेल में जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसकी डोज की तरफ, कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है और क्या सही तरीका रहता है जिससे कि पेशेंट को कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों इसकी जो डोज है वो तो पेशेंट और डिजीज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है। 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट से लगाकर 24 लाख इंटरनेशनल यूनिट पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है और यह इंजेक्शन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर IM यूज़ के लिए ही है, इंट्रावीनस इसको यूज़ नहीं लें। और जब कभी भी इसको इंट्रामस्कुलर पुश करें तो विशेष तौर से ध्यान रखें आर्टरी और वेन के पास ये नहीं लगे, वो गलती से अगर थोड़ा भी पार्ट उसमें चला जाए तो पेशेंट को बहुत बड़ी दिक्कत सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो यह जो इंजेक्शन है जनरली 7 दिनों में एक बार लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर इसकी डोज जो है वो डॉक्टर एडजस्ट करके दे सकते हैं। अगर एडल्ट में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो बुटोक में इसको इंजेक्शन को लगाया जाता है और यदि नियोनेटल है, स्मॉल कोई चिल्ड्रन है या इन्फेंट है उसको जब लगाया जाएगा तो उसको थाइज में लगाया जाएगा। और यदि एक से ज़्यादा इंजेक्शन पेशेंट को लग रहे हैं तो जो इंजेक्शन की साइट है बार बार उसको चेंज करनी होती है। दोस्तों इस इंजेक्शन की क्या डोज रहती है मैंने आपको बताया, अब मैं बताता हूँ किस तरह से आपको लगाना चाहिए और जिससे कि पेशेंट को नुकसान नहीं और लगाने का सही तरीका क्या हो। जैसा कि आपको पता है यह जो इंजेक्शन है आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसको सबसे पहले 4 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व किया जाता है। इसको डिजोल्व करने के लिए आपको काफ़ी देर तक इसको चेक करना होता है, हिलाना होता है, जिसके बाद में डिजोल्व होता है। जब डिजोल्व हो जाता है उसके बाद यदि इसमें आपको कोई पार्टिकल दिखे या इसका कलर डिसकलरेशन दिखे तो उसको आप यूज़ नहीं करें। यदि नॉर्मल कलर में हो तो इसको आप सिरिंज में भर के बुटोक पर लगाएं एडल्ट के और बच्चों के जैसे मैंने बताया था थाइज में लगाएं। और इसको लगाते समय आप बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं लें क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो ज्यादा होती है, इसी कारण से स्लो लेने पे ये ब्लॉक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। आप इसको नॉर्मल स्पीड में पुश करें और यह इंजेक्शन लगाने से पहले प्रत्येक पेशेंट को आपको AST करना होता है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप एक जो मेडिसिन रहती है उसका 0.01 ml एक बूंद लेके पेशेंट की सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने हाथ में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया, वहाँ पे एक गोला कर दिया पेंट से, यदि वहाँ पे कोई सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन नहीं लगे, रेडनेस हो, उसकी बॉडी में खुजली नहीं हो, नोजिया वोमिटिंग उसको नहीं हो रहा, तो उसके बाद उसको यह इंजेक्शन पूरा पुश करें। क्योंकि दोस्तों अगर AST करने के बिना यदि आप इसको यूज़ कर लेते हैं किसी पेशेंट को तो पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट होकर उसकी डेथ होने की भी संभावना रहती है। इसी कारण से मैंने थंबनेल में लिखा था दोस्तों मोस्ट डेंजरस बट वेरी यूजफुल इंजेक्शन। तो इसी कारण से मोस्ट डेंजरस है दोस्तों, AST करने के बाद ही इसका प्रयोग लें, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में प्रयोग लें, बिना डॉक्टर की सलाह इसका यूज़ नहीं लें। और जितनी डोज आपको डॉक्टर ने कही है, जितने दिनों तक लगाने के लिए कहा, उतने दिनों तक ही इसका प्रयोग लें। तो दोस्तों आप ये चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखें। और यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, यदि कोई पेशेंट है जिसको लीवर या किडनी डिजीज है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कार्डिक अरेस्ट का कार्डिक फेल्यूर का कोई पेशेंट है, तो इन सभी पेशेंट को भी यह बिना डॉक्टर की सलाह बिना डॉक्टर की देखरेख ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है इस इंजेक्शन के बारे में, बहुत ही संसार इंजेक्शन है लेकिन घातक इंजेक्शन है, सावधानी से इसका प्रयोग करें और आपको जब इंजेक्शन लगे आप इस कुछ बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से नई जानकारी आपको मिली होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले वीडियो मुफ्त में देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।